वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हम मौजूद हैं हमारी किचन क्वीन शेफ मुनीजा के साथ। क्या बात, वैसे बता तो दें क्या बना रही हैं आज? आज जो है मशरूम चीज ऑमलेट बना रहे हैं और जो है बहुत मजे का और डिफरेंट तरीके से बताएंगे। ठीक है जी, तो हमने सबसे पहले आपने फ्लेम ऑन करना है, हमने फ्लेम ऑन कर दी है और जी जनाब इसके अंदर हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे हम इसके अंदर। हमने रेसिपी में क्या किया मैं बता देती हूँ। मैंने बटर लिया, थोड़ा सा ऑयल लिया, 1 टेबल स्पून मक्खन लिया, उसके अंदर जो है मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन 1 टेबल स्पून शामिल करा, उसको हल्का सा गोल्डन करा, खुशबू आई उसकी, तो मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें फाइन चॉप वो ऐड कर दी, 1 से 2 आप ऐड कर दीजिए। साथ साथ मैंने 1 प्याज जो है उसको वो स्लाइस थी वो शामिल करी और इसको जो है हम सौते कर रहे हैं और इसके अंदर हम थोड़े से मशरूम्स ऐड करेंगे। ठीक है, तो जो है ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी ना अनियन हमारी, फिर हम इसके अंदर मशरूम्स ऐड करेंगे। फ्लेम को हमने शेमुनी जी, अगर अनियन ना डालना चाहते तो उसको किस चीज़ से हम कोई और वेजिटेबल्स ऐड कर दीजिए, शिमला मिर्च ले लीजिए, कैप्सिकम ले लीजिए, आप कोई और वेजिटेबल्स है कॉर्नस ले लीजिए, कोई और जो भी आपके पास अवेलेबल हो घर में आप वो ऐड कर दीजिए, थोड़े से कैरेट्स ऐड कर दीजिए, इट्स अप टू यू, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मशरूम के साथ अनियन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा ये देखिए सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गई अनियन, ठीक है इसको सॉफ्ट करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करना है। अच्छा जी, हमारा इस वक्त जो है वो मशरूम चीज़ ऑमलेट बिल्कुल रेडी है और देखिए इस तरह होता रहता है जब हम एक फैमिली में होते हैं तो वहाँ पर भी होता है, तो कोई ऐसी कांटा का रखा हुआ है कोई बात नहीं, किचन में चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। अच्छा रेसिपी बता देते हैं हम, रेसिपी जनाब मैंने क्या किया कि एक पैन के अंदर बटर लिया और उसके अंदर जो है थोड़ा सा ऑयल शामिल करा, उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया 5 चॉप्ड गार्लिक, बारीक कटा हुआ लहसुन 1 टेबल स्पून के करीब और फिर उसको हल्का सा गोल्डन करा, साथ साथ मैंने उसके अंदर शामिल करी हरी मिर्चें 5 चॉप, 1 से 2 आप हरी मिर्चें ले लीजिए वो शामिल करी हमने, फिर उसके अंदर हमने शामिल करी प्याज, 1 प्याज स्लाइस्ड। ठीक है बताएं आगे मैंने क्या ऐड किया था उसके अंदर, मशरूम्स ऐड करें, मशरूम नहीं आपने एंड रेसिपी बता दी, तो फिर आपने प्याज लाल की, प्याज सौते करी पिंक करी लाल नहीं, आगे उसके बाद आपने लहसुन अदरक डाला, नहीं लहसुन अदरक हम शामिल करे ही नहीं, कड़ी पत्ता, हाँ कड़ी पत्ता, गरम मसाला, लाल मिर्चे सब डाल दी थी हमने। अच्छा जी हमने लहसुन गोल्डन करा, उसके अंदर हमने जो है वो हरी मिर्चें शामिल करी, हरी मिर्चे को सौते करा, उसके अंदर हमने प्याज शामिल करी, प्याज को हमने लाइट पिंक कर लिया, उसके बाद हमने इसके अंदर मशरूम्स शामिल करे स्लाइस किए हुए, इसको मैंने सीजन करा वाइट पेपर से पिंच और ब्लैक पेपर पिंच, थोड़ा सा सॉल्ट शामिल करा ताकि उसमें फ्लेवर आ जाए, इन तमाम चीज़ों को मैंने हाई फ्लेम पर सौते करा, कुक करा और उसके बाद मैंने उसको फ्लेम से हटा दिया। उसके बाद मैंने 6 अंडे लिए, उनको फेंटा, उसके अंदर मैंने काली मिर्च पिंच डाली, सफ़ेद मिर्च पिंच डाली, नमक हसबे जायका शामिल करा, उसको फेंटा और फिर मैंने पैन के अंदर बटर शामिल करके ये जो अंडे का बैटर तैयार किया था ये हमने शामिल कर दिया, उसको हमने कुक करा, एक साइड से फ्लिप करा, उसके बाद दूसरी साइड से कुक करने के बाद हमने बीच में जो है वो जो हमने मशरूम और अनियन की वो बनाई थी फिलिंग वो हमने रखी, उसके ऊपर हमने पिज्ज़ा चीज़ शामिल कर दिया, आपको चेडर पसंद है वो डाल दीजिए, आपको मोज़रेला पसंद है आप वो डाल दीजिए, हमने पिज़्ज़ा चीज़ शामिल करी, उसमें चेडर और मोज़रेला दोनों होता है। ठीक है वो शामिल करके मैंने दोनों साइड से उसको कवर करा और जनाब उसको थोड़ा सा ढक दिया ताकि चीज़ जो है हमारी मेल्ट हो जाए अच्छी तरीके से और उसको मैंने यहाँ पे सर्व कर दिया। टोस्ट को मैंने ब्रेड को जो है मैंने बटर लगा के टोस्ट कर लिया था वो साथ में सर्व कर दिया और हमारा मज़ेदार सा मशरूम चीज़ ऑमलेट तैयार है। क्या बात है मरीजा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप हमेशा हमारे शो में बहुत ज़्यादा चार चांद लगाती हूँ। ये बात तो है ना, जब हम इतना बजट खर्च करेंगे तो आप वो भी ना लगाएं फिर, है ना? बहुत बजट खर्च कर दिया। अच्छा कल क्या बनाएंगी? ये कल ही पता चलेगा। कल ही पता चलेगा। चलिए बट बहुत बहुत शुक्रिया।